खरगोन में युवाओं ने की गौवंश बचाओ अभियान की शुरुआत, औषधीय लड्डू खिलाकर लगाए निशान। गौवंशों में फैल रहे लंपी वायरस से गौवंश को बचाने के लिए नवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे 9 दिनों तक के लिए कर्तव्य जीव आश्रय खरगोन द्वारा नगर व खरगोन के आसपास के गांवों में गौवंश बचाओ अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें युवा औषधीय लड्डू बनाकर खरगोन व आसपास के गांवों में गौवंश को खिला रहे हैं। साथ ही गौ पालकों को लंपी वायरस से गौवंश को बचाने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। कर्तव्य आश्रय ने उदयपुर एनिमल फीड एनजीओ से संपर्क कर औषधीय लड्डुओं को बनाने की विधि सीखी, जिसकी सामग्री कुछ इस प्रकार है। बाजरे का आटा, घी, हल्दी पाउडर, काली मिर्च, काली जीरी, आंवला, तुलसी, गिलोय रस सम्मिलित है। गत दिनों कर्तव्य जीव आश्रय के युवाओं के साथ नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती छाया जोशी, नगरपालिका उपाध्यक्ष भोलू कर्मा, वरिष्ठ पत्रकार मनोज रघुवंशी, समाज सेवी आशीष गुजराती, सूरज पाल, अश्विन गोस्वामी व गो सेवक लोकेंद्र सेन ने खरगोन की सभी गौशालाओं और रोड पर घूम रही गायों को औषधीय लड्डू खिलाए तथा उनकी पहचान के लिए हल्दी घोलकर उन पर निशान भी लगाए। डिजियाना न्यूज निमाड़ रिपोर्ट, खरगोन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।